तो हम तीन ग्रहों की युति के बारे में बात कर रहे थे, सूर्य बुध और चंद्रमा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सूर्य बुध और चंद्रमा की अगर किसी भी जातक के युति बन रही हो तो इसके क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। सूर्य बुध और चंद्रमा की युति जब भी बन रही हो तो आपके बहुत ज़्यादा दयालु और मिलनसार होने के आसार हैं, आप बहुत ज़्यादा धनवान धनी हो सकते हैं। अब इस युति में क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही साथ आ रहे बुध के, इस वजह से आपके मदर और फादर के जो गुण हैं वो आप में ज़्यादा होंगे, उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है, उनके कार्यों का प्रभाव, उनकी जीवन शैली का प्रभाव, वो आपके ऊपर सीधा सीधा दिखेगा। इस युति की वजह से आप कोई भी चीज़ जब सीखेंगे आप बहुत जल्दी सीखेंगे। इसके अलावा आप में कभी कभी इमोशनली ईगो होने के आसार हैं। अगर यहाँ पर बुध के साथ चंद्रमा की दूरी कम है या फिर बुध के साथ बहुत ही क्लोज कंजक्शन में अगर चंद्रमा है सूर्य की तुलना में, तो फिर आपका जो कम्युनिकेशन है उसके इमोशनल होने के आसार हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो इसमें पूर्णतया शामिल रहेगा। और इस प्रकार की युति में जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करेंगे तो कम्युनिकेशन में आप काफी अच्छे हो सकते हैं। साथ ही इस प्रकार के जातक अगर सरकार से जुड़ के काम करें, इनको वहां भी काफी बेनिफिट मिलता है। इस प्रकार के जातक कोई अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, ये फैमिली बिजनेस टाइप कुछ ऐसे कंडीशंस बन सकती हैं इस युति की वजह से, आपके चार्ट की वजह से, जहां पर आप अपने फैमिली के बिजनेस को ही लगातार संभाल रहे हो। क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों ही जब आते हैं चंद्रमा के साथ, तो आपके माता पिता के साथ, और क्योंकि बुध जुड़ जाते हैं यहाँ पे, और आपका जो सूर्य है वो आपकी आत्मा का भी कारक है, तो यहाँ पर आपके इमोशंस और आपकी आत्मा डायरेक्टली जुड़ी हुई रहती है और बुध साथ में जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार की युति वाले अक्सर आपको विद्वान देखने को मिलेंगे। कुछ भी चीज़ ये किसी को बताएंगे तो बहुत अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत अच्छे से अपनी बात को एक्सप्लेन करने वाले इस प्रकार के जातक होते हैं। इस प्रकार के जातक काफ़ी ज़्यादा प्रतिभावान हो सकते हैं, ये ज़्यादातर बुद्धिजीवी होंगे और ये सर्विस क्लास पीपल हो सकते हैं, अपनी सेवाएं देने वाले अक्सर। और इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे कवि भी बन सकते हैं, ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। बिजनेस के मामले में देखा जाए तो बिजनेस में ज़्यादा अच्छा करेंगे जॉब की तुलना में, फिर भी इनके बहुत बड़े बड़े लोगों से, सरकारी लोगों से संपर्क हो सकते हैं, और इनकी जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी हाई हो सकती है, और इनका जो रहन सहन है अगर देखा जाए, इनके बात करने का तरीका, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो सकता है। तो सूर्य बुध और चंद्रमा जब भी युति कर रहे हैं इसका प्रभाव स्ट्रांगली आपके चार्ट पर पड़ेगा। ऐसे में आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी उनका सॉल्यूशन भी आपके पास होगा, आप इजीली ओवरकम कर जाएंगे जो भी खराब कंडीशंस आपकी लाइफ में आ जाएंगी उनसे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ज़्यादातर इमोशंस का रोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अपने किसी भी काम में। तो आप अगर चंद्रमा को अच्छा कर लें, चंद्रमा को अगर अच्छी तरीके से इस युति में संभाल लें, तो फिर और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके जो इमोशंस है वो आपके डायरेक्टली आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं, तो आपके इमोशंस भी स्ट्रांगली आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे इस युति की वजह से। अब ये युति आपके कौन से भाव में बन रही है, जिस भाव में ये बन रही है उस भाव के जो रिलेशंस हैं उनमें आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं और मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं उस भाव से संबंधित रिलेशंस को लेकर। इसके अलावा देखा जाए तो इस प्रकार के जातक काफ़ी ज़्यादा मूडी मूड स्विंग वाले हो सकते हैं और इनका बिहेव काफ़ी बार चेंज हो जाएगा सडनली किसी कारणवश, इस प्रकार के ये हो सकते हैं। अब इनमें से आपको ये देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है। अक्सर इस युति में देखा जाए तो सूर्य का ही प्रभाव आपको अक्सर ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिर भी अगर किसी और ग्रह का प्रभाव मान लीजिए पड़ रहा हो तो फिर उसके जो रिजल्ट हैं उसका जो प्रभाव हो वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आप हो सकता है कि राजनीति में भी चले जाएँ या एक शिक्षक के रूप में बहुत अच्छे से आप फेमस हों, आपको नॉलेज अलग अलग फील्ड का बहुत ज़्यादा होगा, तो आप एक विद्वान व्यक्ति होंगे, आपने कुछ ऐसे फील्ड का भी नॉलेज होगा जिसका नॉलेज एक्चुअल में आपने सीखा नहीं, जिसका नॉलेज आपने कभी ग्रहण नहीं किया, लेकिन आपके अंतर मन में वो चीज़ें जरूर रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आप मल्टी टैलेंटेड होते हो इस युति की वजह से। इसके अलावा आपका जो धन है, धन के भी अच्छे तरीके से आप यूज करने के चांसेस यहाँ दिखाते हैं जब ये युति बनती है। तो ऐसे में आप अपना धन बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अपने फैमिली बिजनेस
या आपने किसी भी बिजनेस को आप बहुत अच्छे से आगे चला पाएंगे। इसके अलावा आपके मेनली जो कॉन्टेक्ट्स हैं लोगों से, दूसरे लोगों से जो आपके संपर्क हैं, वो भी काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करेंगे इस युति की वजह से। तो आपके उनका भी प्रभाव आएगा जिन लोगों के साथ आपके संपर्क बनते हैं। अब अगर किसी के भी इस प्रकार की युति अगर लगन में ही बन रही है तो फिर ये बहुत ज़्यादा करिश्माई व्यक्तित्व वाले जातक बन जाते हैं इस युति वाले। इसके अलावा अगर किसी के पंचम भाव में बन रही हो तो फिर आपकी संतान भी काफ़ी प्रतिभाशाली हो सकती है। साथ ही साथ आपके अगर धन स्थान में यानी आपके लाभ स्थान में या फिर आपके सेकेंड हाउस में इस प्रकार की युति बन रही हो, धनवान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा धनवान होने के आपके चांसेस बनेंगे ऐसी कंडीशन में। तो देखा जाए तो इस युति का प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा पड़ेगा आपकी लाइफ पर, और फिर ये आपके इमोशंस से डायरेक्ट जुड़ी हुई एक युति है। इस वजह से जो कुछ भी आप करेंगे, जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा सूर्य और बुध की वजह से, उससे आपका मन डायरेक्टली प्रभावित होगा। इसके अलावा आप दूसरों को कुछ सिखाने जा रहे, दूसरों को कुछ बताने जा रहे, उसका प्रभाव भी आप बहुत स्ट्रांगली छोड़ेंगे। इसके अलावा आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ आप खोजते हुए रहेंगे, आप एकदम से फ्री माइंड नहीं बैठ सकते, ये प्रवृत्ति भी इस युति की वजह से होगी। हालांकि कभी कभी इस युति में आपको धन की समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं या धन के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये स्थितियां बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में रहेंगी नहीं और ज़्यादातर मामलों में आपको धन की अच्छी स्थितियाँ ही आपके जीवन में देखने को मिलेंगी।